हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग अदानी पावर के बारे में बात करेंगे। क्या करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट कंपनी के कुछ फंडामेंटल के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने जून 2020 के बाद से कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा बढ़ाया था सितंबर 2020 में। उसके बाद से कंपनी का रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली गिर रहा है। उसके साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है। और उसके साथ अगर नेट प्रॉफिट को देखें, कंपनी का नेट प्रॉफिट कॉन्सिस्टेंट नहीं है। कभी कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई देता है और कभी कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस में दिखाई देता है। और अगर एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करें या एनुअली बात करें, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। और एक अच्छा बात कंपनी के अंदर जो है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले दो साल से कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो ये कंपनी के रेवेन्यू सर्कल के लिए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिए एक अच्छा बात है। मगर कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखे, कंपनी का नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। कंपनी कभी ज़्यादा लॉस कर देता है, कभी कम लॉस कर देता है। और करंट ईयर में कंपनी ने 1270 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट भी कमाया है पॉजिटिव में। तो ये नेट प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली एक पॉजिटिव वे में नहीं है, या कंपनी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना जो नेट प्रॉफिट है वो कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव में दिखा रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो कंपनी के फिनेंशियल के हिसाब से कंपनी मुझे थोड़ा कमजोर दिख रहा है। कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट में एक कॉन्स्टेंट ट्रेंड नहीं है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना जो रेवेन्यू है वो पॉजिटिव में ला रहा है, अपना जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में ला रहा है। तो करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो अगर कंपनी के वन डे का चार्ट हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, पिछले कई दिनों से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार नीचे गिर रहा है। पिछले हफ्तों से ही देखा जाए तो ये शेयर प्राइस नीचे गिर रहा है। और आज के दिन कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 94.30 के सपोर्ट को टच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो 85 टू 90 के आसपास कंपनी का नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है। मगर यहाँ पे हम लोगों को कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। और ऑन डे के अगर चार्ट पैटर्न को देख के हम लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कोई भी क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। मगर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे यहाँ पे एक कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि मैं क्लियरली कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिपोर्ट होता है, जो ईयर ऑन ईयर रिपोर्ट होता है, उसे देखने के बाद ही मैं इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। और यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में कोई भी क्रिस्टल क्लियर ट्रेंड मुझे नहीं दिख रहा है प्रॉफिट का, या मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव वे में प्रॉफिट भी नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको ये शेयर अभी लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। अगर आप बेटर वे में इस कंपनी को समझते हैं तो आप अपने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस शेयर को रिकमेंड नहीं करता हूं। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फिनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है, या आगे आने वाले टाइम पे आप किसी भी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।